हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन जेट। बच्चों, हमारा बेसिक मैथ पार्ट चल रहा है। अब हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन नंबर। तो बच्चों, क्या होता है, किसी भी अगर नंबर की हम बात करते हैं, सपोज कर लिया हम ले लेते हैं 2, 3, 7। तो इसमें क्या होते हैं, 3, 7, 2, इनको हम क्या बोलते हैं, डिजिट्स बोलते हैं। और 2, 3, 7 पूरे को मिला के हम क्या बोलेंगे, इसे नंबर बोलेंगे। तो इसमें किसी भी डिजिट की अगर हम बात करें तो इसकी क्या होती हैं, 2 वैल्यूज़ होती हैं। तो क्या लिखा है इसमें, वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन नंबर। तो किसी भी नंबर में डिजिट्स की 2 वैल्यूज़ होती हैं, 2 वैल्यूज़ ऑफ डिजिट इन अ नंबर। ठीक, वो क्या क्या होती हैं वैल्यूज़ बच्चों। पहला होता है हमारा बच्चों फेस वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक या जातीय मान, फेस वैल्यू। सेकंड क्या होता है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू की बात क्या करते हैं बच्चों, जिसमें क्या होती है, इसकी पोजीशन क्या होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, फेस वैल्यू हमारा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक, तो फेस वैल्यू के हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। द वैल्यू ऑफ एनी डिजिट विच नेवर चेंजेस इज नोन एज फेस वैल्यू। अब बच्चों हम लोग ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, 6, 5, 8, 9। तो 6, 5, 8, 9 में अगर हम 6 का क्या निकालें, फेस वैल्यू। तो 6 की अगर फेस वैल्यू हम निकालते हैं तो क्या होता है, वो सेम होती है, 6 हो गई। 5 की 5 होगी, 8 की 8 होगी, 9 की 9 होगी। क्लियर है बच्चों। इसी तरीके से 2, 3, 4, 7 में हम देखें, 2 की 2 होगी, 3 की 3 होगी, 4 की 4 होगी, 7 की 7 होगी। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों, कि फेस वैल्यू जो होती है कभी भी चेंज नहीं होती है। अगर हम सपोज कर लिया 9 को यहाँ पे प्लेस कर दें, यहाँ पे अगर हम 9 कर देते हैं तो भी इसकी वैल्यू 9 ही होगी। यानी फेस वैल्यू किसी भी डिजिट की सेम वही नंबर ही होती है, चाहे वो कहीं पर भी हो। अगर 0 की क्या होगी फेस वैल्यू, 0 की 0 ही होगी। ठीक है, तो यानी इसमें पोजिशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। पोजिशन कहीं भी हो, डिजिट हम केवल देखेंगे, लाइक 1 है, 2 है, 3 है, कोई भी डिजिट होगी, उसकी फेस वैल्यू सेम वही डिजिट ही हो जाएगी। अब हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। तो प्लेस वैल्यू में क्या होता है बच्चों, डिजिट्स की पोजीशन चेंज होती है, इसके हिसाब से उसकी क्या होती है, वैल्यू निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन। ठीक, तो द वैल्यू ऑफ एनी डिजिट विच चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू में क्या होता है, हर एक डिजिट की क्या होती है, प्लेस वैल्यू उसी के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। ठीक, तो डिजिट की क्या होती है, प्लेस वैल्यू उसके पोजीशन के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं, ये पोजीशन हम हमेशा काउंटिंग क्या करते हैं, हमेशा राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो ये हमारा होता है बच्चों यूनिट प्लेस। ठीक, ये होता है हमारा टेंस प्लेस, ये होता है 100th प्लेस, 1000th प्लेस। ठीक, तो यूनिट प्लेस को अगर लिखना होगा तो बच्चों हम कैसे लिखेंगे, अगर 10 के फॉर्म में अगर हमको यूनिट प्लेस को रिप्रेजेंट करना होगा तो यूनिट प्लेस में 10 की पावर 0 आ जाएगी, क्योंकि यूनिट प्लेस में क्या होता है, 10 की पावर 0 मीन्स 1 होती है। ये हो जाएगी हमारा 10th प्लेस में 10 की पावर 1, 100th प्लेस में 10 की पावर 2, और 1000th प्लेस में 10 की पावर 3। ठीक है, इसी तरीके से यूनिट प्लेस की बात इसमें करते हैं तो 10 की पावर क्या होगी, 0, 10, उसके बाद 10th प्लेस में 10 की पावर 1, 100th प्लेस में 10 की पावर 2, 1000th प्लेस में 10 की पावर 3। तो 10, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, 10 की पावर 0 मीन्स 1। ठीक, यहाँ पे आ जाएगी 10, यहाँ पे 10 की पावर 2 मीन्स ये 100th पोजीशन पे यानी 100, ये 1000th पोजीशन पे इस तरीके से 1000। बच्चों ये क्या है, यहाँ पे तो आप इजीली देख लेंगे, लेकिन ये अगर लैक्स में होंगे, करोड़्स में होंगे, तो इस तरीके से पावर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बेटर होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों एक, इसी में हम देख लेते हैं 9 का हमको क्या निकालना है, सपोज कर लिया प्लेस वैल्यू। तो 9 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। किसी भी नंबर पे अगर पावर क्या हो, 0 हो, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये हमारी आ गई 9। ठीक, यानी हम ये कह सकते हैं बच्चों, यूनिट प्लेस पे
किसी भी डिजिट की जो प्लेस वैल्यू होगी और फेस वैल्यू सेम होगी। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि 9 अगर अब यहाँ पे कहीं भी हम इसकी फेस वैल्यू निकाले 9 ही आएगी, और यूनिट प्लेस पे अगर ये 9 है तो इसकी फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू दोनों इक्वल होगी। क्लियर है? अब हम 8 की बात करते हैं। 8 किस पोजीशन पे है? टेंस पोजीशन पे है। तो टेंस पोजीशन मींस 8 × 10^1, तो ये हमारा आ गया क्या 80। ये किस पोजीशन पे है? 5 × 100 पोजीशन में 10^2, 10^2 मींस 100, ये वैल्यू आ गई 500। ये 6 किस पोजीशन पे है? 1000 पोजीशन पे है, तो 10^3 आ गई, ये आ गए हमारे 6000। क्लियर है बच्चों? इसमें हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये यूनिट प्लेस पे है 7 हो गया, ये टेंस प्लेस पे है तो ये क्या हो जाएगी 40 हो गई, ये 100 प्लेस पे है तो 300 हो गई, ये 1000 प्लेस पे है तो 2000। तो इस तरीके से बच्चों प्लेस वैल्यू हमने क्या है सबकी फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डेसिमल की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, डेसिमल की हम लोग प्लेस वैल्यू। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर। किसी भी डेसिमल नंबर की हमको क्या करनी है? प्लेस वैल्यू निकालनी है। अभी तक हमने क्या देख लिया था? होल नंबर का, नेचुरल नंबर का। अब हम लोग देखते हैं डेसिमल नंबर का। अब बच्चों 0.2 को अगर हमको देखना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो हम क्या करेंगे? अगर इसका पॉइंट हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, 0.2 में 10 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, किस में चेंज हो जाएगा? फ्रैक्शन में, यानी ये हो जाएगा 2/10। तो अगर इसको हमको लिखना होता है तो यहाँ पे क्या है, 10^1 है। जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाते हैं वैल्यू, तो क्या हो जाती है 10^-1। क्लियर है बच्चों? ये समझाने के मैंने आपको बताया। तो यानी डेसिमल के जस्ट बाद की जो हमारी उसकी प्लेस होगी 10^-1 होगी। यानी इसकी अगर हम बात करें तो डेसिमल के जस्ट बाद का इसका प्लेस जो पोजीशन होगा 10^-1 पोजीशन पे है, ये 10^-2 पोजीशन पे है, ये क्या है 10^-3 पोजीशन पे है। यानी इसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो 0.237 में, तो अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 2/10 इसको लिख लेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, 3/100 लिख लेंगे। ये कैसे लिखेंगे, 7/1000 लिख लेंगे। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से हम क्या है इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, 0.2 की हमको क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या निकलेगी इसकी, 2 × 10^-1। ठीक है, 3 की अगर निकालनी है तो क्या हो जाएगी, 3 × 10^-2, क्योंकि डेसिमल के सेकंड पोजीशन पे है 10^-2। ये डेसिमल के थर्ड पोजीशन पे 7 है, तो 7 की क्या निकलेगी, 7 × 10^-3। तो इस तरीके से बच्चों डेसिमल का नंबर्स का भी हम क्या कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं इसमें क्या है, होल नंबर भी है और डेसिमल भी है। तो 2 का हमारा क्या हो जाएगा, 2 में तो एक ही है डिजिट, तो ये हो जाएगी 2 × 10^0, जैसे मैंने बताया था प्रीवियस, तो 2 का 2 ही होगी प्लेस वैल्यू। अब 1 की बात करते हैं, तो क्या है, डेसिमल के जस्ट बाद है, तो इसमें क्या हो जाएगी, 1 की कैसे निकाले थे हमने, 10^-1 पोजीशन पे है ये, तो 1 × 10^-1। ये किस पोजीशन पे है, सेकेंड पोजीशन पे है, 4 × 10^-2। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसकी पोजीशन यानी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। एक चीज़ आप लोग याद रखना बच्चों कि जो ज़ीरो होता है, ज़ीरो का जो प्लेस वैल्यू होता है वो ज़ीरो ही होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं 2409, ज़ीरो का अगर हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 × 10^2। अब आप देखेंगे इसमें किस पोजीशन पे है, यूनिट प्लेस टेंस पोजीशन है, तो ये 1 हो जाएगी। तो ज़ीरो से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी ज़ीरो का अगर हम प्लेस वैल्यू निकालें तो वो 0 ही होता है। ठीक है, और फेस वैल्यू भी 0 ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों 0 ही होता है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हमारा जो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों फिनिश हो गया।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए बेसिक मैथ्स लेकर आता हूँ।